नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए, दूध छीन बच्चों के मुख से क्यों नागों को पाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत सिक्का वहीं उछाला जाए, तू भी है राणा का वंशज फेक जहां तक फाला जाए। कविता का ये अंश इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब तहलका मचा रहा है, जिसे देखो नीरज चोपड़ा की तस्वीर पर इस लाइन को कॉपी पेस्ट कर पोस्ट कर दे रहा है। पर किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि ये शायरी किसकी थी और वो थे कौन, तो आज हम आपको उस शायर के बारे में कुछ बताएंगे। सबसे पहले उनका नाम आपको बता दें, उनका नाम है वाहिद अली वाहिद। उन्होंने कविता कारगिल युद्ध के समय लिखी थी। आज ये राष्ट्रवादी कवि इस दुनिया में नहीं है, पर कहते हैं ना कि शायर कभी नहीं मरता, उसके लफ्ज हमेशा जिंदा रहते हैं। और आज पूरे भारत ने ये बात देखी, जैसे ही नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका, वाहिद अली वाहिद की लाइनों ने हर दिल में जगह बना ली। वाहिद अली वाहिद सिर्फ राष्ट्रवादी कवि नहीं बल्कि हनुमान भक्त भी थे। जी हाँ, सही सुना आपने। और उस बात की गवाही उनकी ही एक लाइन देती है। उन्होंने लिखा था, जब पूजा अजान में भेद ना हो, खिल जाती है भक्ति की प्रेम कली रहमान की, राम की एक सदा घुलती मुख में मिसरी की डली, जब संत फकीरों की राह मिली तब भूल गए पिछली अगली मियां। वाहिद बोले मौला अली बजरंग बली बजरंग बली। वैसे तो वाहिद का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ है, लेकिन कोई उन्हें हनुमान भक्त कहता है तो कोई आज का रस खान। वजह ये कि जब अवधि भाषा में वो लिखते हैं तो राष्ट्रवाद की महक से पूरा समाज महक उठता है। वाहिद अली वाहिद की कविताएं राष्ट्रीय सद्भावना के लिए एक मिसाल है। वाहिद की खास बात यह है कि अली की इबादत और बजरंग बली की पूजा को एक सूत्र में पिरोकर कविता लिखते थे। यहाँ तक कि हाल ही में वाहिद के राम नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। अपनी इस पुस्तक में वाहिद लिखते हैं, माँ के समान जगे दिन रात जो, प्रातः हुई तो जगाती है गंगा, कर्म प्रधान सदा जग में सबको श्रम पंथ दिखाती है गंगा, संत असंत या मुल्ला महंत सभी को गले से लगाती है गंगा, ध्यान अजान कुरान पुराण से भारत एक बनाती है गंगा। ये राष्ट्रवाद, ये प्रेम और ये समाज को एक करने वाली कविताएं ही थी, जिसके चलते पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रिय कवियों में वाहिद अली का नाम भी शुमार था। यहाँ तक कि जब कट्टरपंथी संगठन आईएस जिहाद के नाम हमला कर रहा था, तब वाहिद ने खुलकर कहा था, आईएस जो कर रहा है उसे इस्लाम से जोड़कर कतई नहीं देख सकते, रमजान के पाक महीने में भी जो इस तरह की क्रूरता कर सकता है वो मुसलमान तो हो ही नहीं सकता। बता दें कि वाहिद अली का इंतकाल 20 अप्रैल 2021 को हुआ, उनकी उम्र 59 साल थी। दुख की बात ये रही कि इनकी मौत के वक्त पर इलाज न होने के चलते इनकी जान गई है। आज वो बेशक इस दुनिया में नहीं है, मगर उनकी रचना आज भी जिंदा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।